मंच पर ईरान के राष्ट्रपति थे और उसी मंच पर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ, दोनों एक मंच पर थे, लेकिन अचानक से मंच पर कश्मीर शब्द सुनाई देता है और पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ भारत के कश्मीर को लेकर राग अलापने लगते हैं, लेकिन जब ठीक उसके बाद ईरानी राष्ट्रपति मंच पर बोलते हैं तो कश्मीर पर एक शब्द नहीं बोलते, जिससे पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के चेहरे की रंगत गायब हो जाती है, क्योंकि उस वक्त शहबाज शरीफ की ईरान और भारत के बीच रिश्तों में दरार डालने की चाल बुरी तरीके से फेल हो जाती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं शेष भारत। कश्मीर की रट लगा रहे पाकिस्तान को अब एक और मुस्लिम देश से बड़ा झटका लगा है, जो भारत का सबसे अच्छा दोस्त है और उस देश का नाम है ईरान। दरअसल पाकिस्तान की यात्रा पर पहुंचे ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की नापाक चाल को फेल कर दिया है। दरअसल पाकिस्तानी पीएम ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन के दौरान गाजा और कश्मीर का जिक्र किया और ईरानी राष्ट्रपति से कश्मीर के मुद्दे पर समर्थन हासिल करने की कोशिश की, लेकिन शहबाज शरीफ की इस नापाक चाल को ईरानी राष्ट्रपति तुरंत भाप गए और उन्होंने गाजा का जिक्र तो किया लेकिन कश्मीर का नाम तक नहीं लिया और ईरानी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान की धरती पर ही ये बता दिया कि ईरान का अच्छा दोस्त सिर्फ और सिर्फ भारत है, क्योंकि भारत और ईरान पक्के दोस्त हैं। भारत और ईरान के बीच रिश्ते इन दिनों बहुत शानदार चल रहे हैं। भारत ने जहां ईरान के चाबहार बंदरगाह में अरबों रुपए का निवेश किया है, वहीं फलिस्तीन के मुद्दे पर भी भारत और ईरान के बीच हाल ही में व्यापक बातचीत हुई है। भारत और ईरान के बीच व्यापार भी बढ़ रहा है। भारत ईरान के रास्ते रूस तक अपना माल पहुंचा रहा है, इससे रूस से भारत के मुंबई बंदरगाह के बीच सीधे कनेक्टिविटी हो गई है। तभी तो संवाददाता सम्मेलन के दौरान शहबाज शरीफ ने गाजा और कश्मीर के हालात को एक करके दिखाने की कोशिश की, लेकिन कश्मीर पर कुछ ना बोलकर ईरान ने बता दिया कि ईरान और भारत कितने करीब हैं, क्योंकि मंच पर जब कश्मीर का राग अलाप रहे शहबाज शरीफ हटे तो तुरंत ठीक बाद ईरानी राष्ट्रपति रईसी ने अपना बयान दिया। रईसी ने गाजा का खुलकर जिक्र किया लेकिन कश्मीर पर एक शब्द तक नहीं बोले, इससे शहबाज शरीफ की चेहरे की रंगत ही गायब हो जाती है और शहबाज शरीफ की ईरान और भारत के बीच रिश्ते में दरार डालने की चाल बुरी तरीके से फेल हो जाती है। ईरानी राष्ट्रपति ने कश्मीर पर पाकिस्तान का सपोर्ट करने से किनारा कर लिया। दरअसल ईरान का भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ संबंध है, लेकिन कश्मीर के मुद्दे पर ईरानी राष्ट्रपति का ये रवैया काफी अहम माना जा रहा है। वैसे ईरानी नेता ऐसे समय पर पाकिस्तान पहुंचे हैं जब कुछ दिन पहले ही ईरान ने पाकिस्तानी जमीन पर मिसाइल हमला किया था। इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी ईरान पर मिसाइल हमला कर दिया था। माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते में आए तनाव को कम करने के लिए ही रईसी पाकिस्तान पहुंचे। हालांकि विश्लेषकों का कहना है कि इसमें खास सफलता पाकिस्तान को नहीं मिल सकी है और दोनों देशों के बीच रिश्तों में खटास बनी हुई है। इससे पहले सऊदी अरब के विदेश मंत्री भी पिछले दिनों पाकिस्तान गए थे और उन्होंने कश्मीर का जिक्र तक नहीं किया था। इसे पाकिस्तान के लिए जहां बड़ा झटका माना गया था, वहीं भारत की कूटनीतिक जीत माना गया था और अब ईरान का कश्मीर पर ना बोलना भी भारत की कूटनीतिक जीत का ही हिस्सा माना जा रहा है, यानी भारत की कूटनीतिक जीत ही मानी जा रही है। वहीं पाकिस्तान में इस बात को लेकर पाकिस्तान की किरकिरी हो रही है, जिस पर पाकिस्तानी पत्रकार साजिद तरार कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो इस समय हो रहा है उसे लेकर पाकिस्तानियों के साथ पूरी दुनिया में कंफ्यूजन है, क्योंकि कुछ दिन पहले पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे पर मिसाइल दाग रहे थे, फिर ईरान इसराइल और पूरे वेस्ट के साथ जंग के हालात में इस वक्त ईरान है। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति पाकिस्तान में है, उससे पहले सऊदी और तुर्की का डेलीगेशन पाकिस्तान में आया था और कुछ दिनों पहले फाइनेंस मिनिस्टर वॉशिंगटन डीसी गए थे। पूरा पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ पैसे मांगने चला है, लेकिन पाकिस्तान पैसे मांगने के चक्कर में अपनी ही हर जगह बेइज्जती करा रहा है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति जब कश्मीर मुद्दे पर नहीं बोले, उस पर पाकिस्तानी पत्रकार ने कहा कि जब पाकिस्तानी पीएम ने कश्मीर का जिक्र किया तो ईरानी राष्ट्रपति ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। ये पहले से तय होना चाहिए था कि पाकिस्तान कश्मीर पर कुछ कहेगा तो ईरान को भी कहना होगा। अगर ईरान तैयार नहीं था तो कश्मीर का जिक्र ही नहीं करना चाहिए था। ईरानी राष्ट्रपति की चुप्पी पाकिस्तान की जमीन पर पाकिस्तान को आकर थप्पड़ मारने जैसा है।
यानी खुद पाकिस्तान के लोग ही पाकिस्तान को बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने किस तरह अपनी जमकर बेइज्जती कराई है। खैर, ये कहा जा सकता है कि कश्मीर मसले पर एक बार फिर पाकिस्तान को ईरान से करारा झटका लगा है। कश्मीर की रट लगाकर बैठे पाकिस्तान को ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने भाव तक नहीं दिया, जो ये बताता है कि दुनिया में कैसे पाकिस्तान की साख लगातार गिरती जा रही है। क्योंकि पाकिस्तान को लग रहा था कि वह रईसी का ग्रैंड वेलकम करके कश्मीर मुद्दे पर ईरान को अपने साथ कर लेगा, लेकिन मौके को भांप कर ईरानी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान की चाल पर पूरी तरीके से पानी फेर दिया, जिससे अब पाकिस्तान एक बार फिर बौखला गया है। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए शीर्ष भारत।